लोकसभा चुनाव को लेकर जनता कितनी सीटों का हिंट दे रही है हम लोगों से ही जानते हैं। मैं इस समय विदिशा में मौजूद हूं और उनसे पूछूंगा उनकी राय क्या है, वो कितनी सीटों का हिंट दे रहे हैं। सर, इस बार देश में कितनी सीटों का हिंट दे रहे हैं आप, कितनी सीटें आएंगी, किसको आएंगी? मैं तो करीबन 350-350 के आसपास मान सकता हूँ। किसको? बीजेपी को। 70% सीटें मध्य प्रदेश में आएंगी बीजेपी। विदिशा को लेकर क्या हिंट है आपका? विदिशा को लेकर हिंट ये है कि शिवराज सिंह जी चौहान करीबन 2.5-3 लाख वोटों से ही जीतेंगे। तो आपका हिंट क्या है, क्या राय है आपकी देश में जो चुनाव है लोकसभा चुनाव, कितनी सीटें किस पार्टी को आएंगी? 300 से 2-4 ऊपर नीचे आएंगी बस। विदिशा? विदिशा में शिवराज सिंह एक तरफ जीत रहे। सर आप बताइए, भारी घर का मूंछ और पर्सनालिटी है आपकी, हिंट दीजिए कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर। वैसे तो कांग्रेस को ज्यादा सीट आएगी विदिशा से, और तो अपन नहीं कह सकते। अच्छा सर, आप बताओ क्या हिंट दोगे आप लोकसभा चुनाव को लेकर, सीटें किसकी आनी है ज्यादा? जो लास्ट रहा था बीजेपी का, उससे काफी अच्छा प्रदर्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 है और काफी अन्य जो मुद्दे है उसके कारण बीजेपी की सीटें काफी अच्छी आएगी। और दूसरी चीज ये है, विपक्ष जो है वो काफी कमजोर है। सर आप बताइए क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? इंडिया गठबंधन की 300+ सीटें रहेंगी। इंडिया गठबंधन? बिल्कुल। आप अकेले हैं जो ऐसा बोल रहे? ये लोग कैमरे में बोल नहीं रहे हैं। अच्छा। लेकिन लोगों में नाराजगी है बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, और जो मोदी सरकार ने झूठे वादे किए थे उन वादों को लेकर लोगों में नाराजगी है। प्रदेश में कितनी? MP में 50-50 रहेगा। देखिए ये तमाम लोग हैं, विदिशा की जनता है, जिससे हमने हिंट लिया कि इस लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी सीटें आएंगी।